तुरोइन का सब्जी बनाते हैं उसके लिए तुरोइन को खूब अच्छे से इस तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद इनको धो लेंगे, साड़ी को इसी तरह से छील लेंगे। अब देखिए इस तरह से साड़ी को छील लिए, छीलने के बाद उसमें प्याज भी छील लिए हैं और इसको अब अच्छे तरह से धो लेंगे। और जो ये मेरा छिलका बचा इनको आप गर्म पानी में खौला कर एक कप पानी को हाफ कप पानी करके इसमें मेहंदी घोलिए, बाल को ब्लैक करेगा और हेल्दी करेगा। ये तुरोइन का छिलका बाल के लिए बहुत लाभदायक है। अब चलिए इनको धोकर कट करते हैं। सबको कट कर ली, अब जिस तरह से कट करी कोई दिक्कत नहीं, मैंने इस तरह से कट की। इस तरह से कट कट करने से सारे गल जाते हों और मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। इधर मैं तेल कढ़ाई में गरम की हूँ, उसमें मैं डालूँगी एक तेज़पत्ता, जीरा, थोड़ा सा ये ब्लैक वाला सरसों और साड़ी को फूटने दूँगी। फूटने के बाद मेरी जाएगा ये हल्दी पाउडर पीला होने पर, ये चना का बेसन है और इधर जीरा मिर्च और लहसुन है, थोड़ा सा एक चम्मच इसको डालूँगी। और ये प्याज मैं कटती हूँ मीडियम आकार के दो। इस तरह से प्याज डाल कर और इसको लाल कर कर भून लें। अगर इस तरह से एक दिन सब्जी बना लीजिएगा ना तुरंत क्या, तो फिर बार बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे, फिर आप दूसरे ढंग से तुरोइन का सब्जी नहीं बनाएंगे, इतना टेस्टी लगता है। और ये कम तेल मसाला में ही बनकर तैयार हो जाता है, मसाला तो नाम मात्र का ही लगता है और तेल भी मैं बहुत कम डाली हूँ। खाने वाला स्पून से दो चम्मच तेल डाली हूँ, मीडियम आकार का दो प्याज है और एक केवी तुरोइन है। आप तो जितना घर में परिवार है जिस तरह से आपके यहाँ सब्जी यूज होता है उसी तरह से तुरोइन खाती है। इसमें आप चना भी डाल सकते हैं, साबुत चना या चना का दाल भी डाल सकते हैं। मैं आज सिंपल बना रही हूँ। चलिए अब इसमें नमक डालेंगे, मेरा प्याज भून गया। अब इसी दौरान हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब जितना पीला पसंद करते हैं उतना, और थोड़ा सा खाने वाला स्पून से लहसुन और जीरा मिर्च का पाउडर, इसी में मैंने हरा मिर्चा एक पीस लिया। अब इसको भूनेंगे। भूनने के बाद जो मैं बेसन डाली हूँ खाने वाला स्पून से हाफ स्पून, ज़्यादा नहीं डालना है, इसको भी इसी में भून लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, जितना आपके घर में खाना पसंद करते हैं उतना ही नमक डालिएगा। इनको थोड़ा सा दो मिनट, ज़्यादा नहीं दो मिनट, अच्छे से बेसन को भूनूंगी कि इसमें सुनहापन आ जाए और इसका टेस्ट भर कर आए, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी। भूनने के बाद ये जो मैं कट की हूँ तुरोइन उसको डालकर, नहीं इसमें पानी डालना है, अगर पानी आपका तुरोइन छोड़ दे तो उसी में पक जाएगा, अगर कम छोड़ता है तो उसमें थोड़ा सा हल्का पानी डालकर ढक दीजिए। पहले पानी नहीं डालना है, पहले पानी डालिएगा तो इसका टेस्ट अलग हो जाता है, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अभी मेरा मसाला भून गया, अब इसी में हम तुरोइन डाल देंगे। तुरोइन डालने के बाद इसको हम दो बार चलाएंगे, दो तीन बार, और चलाकर इसको ढक देंगे अच्छे से। समझिए कि इसको हम मिक्स कर दिए, मसाला और तुरोइन को मिक्स करने के बाद इनको हम कोई ढक्कन वगैरह से ढक कर छोड़ देंगे। दो मिनट के बाद इसमें से पानी सूख जाए, छोड़ देगा पानी, अगर छोड़ दे तो उसी को ढककर स्लो आंच पर पका लीजिए। अगर पानी नहीं छोड़े तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, हाफ कप चाय वाला कप से डाल दीजिए।
उसी में पक जाएंगे। उसके बाद सारे पानी को सुखा लेना है। अब चलिए इनको हम ढककर पकाते हैं। देखिए हम पानी ये छोड़ दिए हैं, अब इनमें कोई पानी डालने का ज़रूरत नहीं है। अब इसको इसी तरह से ढक ढक कर हम पानी को सुखा लेंगे। इस तरह से ढक ढक कर और थोड़ा सा गैस का हम तेज कर देंगे, हल्का तेज। जब ये पानी सूख जाए तो इसको लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं, नहीं तो नीचे से धर लेगा तो सारा सब्जी आपका ये खराब कर देगा। इसको चलाते हुए पानी को सुखा लेना है। देखिए कितना टेस्टी, देखने में ही लग रहा है, खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। घर में गेस्ट हैं और तुरंत आपके पास सिर्फ है, इस तरह से सब्जी बनाकर खिला दीजिए और तारीफ करते थकेंगे नहीं। इतना अच्छा सब्जी और तुरंत का। इसी तरह से आप इसको और सुखाना पसंद करती हैं तो सुखा सकती हैं, मेरे घर में इस तरह से ही पसंद करते, इसलिए मैं इसी तरह से रख रही हूँ इसको।